नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं बिंद भारत। संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित बाल एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने को लेकर केंद्रित महत्वाकांक्षी दस्तक अभियान का शुभारंभ रीवा जिले में भी आज किया गया। यह कार्यक्रम आज दिनांक 18 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक निरंतर जारी रहेगा। निराला नगर मलिन बस्ती स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप में अभियान का शुभारंभ क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग द्वारा डॉक्टर प्रमोद पाठक द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एएन मिश्रा, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर बसंत अग्निहोत्री, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अर्पिता सिंह, क्षेत्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य समन्वयक अभय पांडे, अर्बन नोडल अधिकारी डॉक्टर के बी गौतम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रीति सिंह, प्रतिमा पांडे, कल्पना सिंह, एनम अर्चना शुक्ला, आशा कार्यकर्ता सरोज चौधरी सहित मलिन बस्ती की महिलाएं एवं बच्चे उपस्थित रहे, जिन्हें दस्तक अभियान के शुभारंभ अवसर पर विटामिन ए का घोल पिलाया गया तथा उनकी जाँच भी कराई गयी और साथ ही बच्चों को टीके भी लगाए गए। अभियान का जो शुभारंभ किया गया है, ये कब तक चलेगा और इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी? दस्तक अभियान बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और इसकी केंद्र भूमिका में है बाल और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। इसको लेकर के सन 2019 से लगातार ये अभियान जारी है और हर वर्ष हम लोग साल में दो बार इसका संचालन करते हैं, एक जून जुलाई में, दूसरा दिसंबर और जनवरी में। इस वर्ष का अभियान जो है 2,74,000 जीरो से 5 साल तक के बच्चों को टारगेट बना करके रीवा ज़िले में संचालित किया जा रहा है, जिसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों को विभिन्न बीमारियों के लिए उनकी पहचान करके, उनका उपचार करके, उनका प्रबंधन करके, उनका रेफरल करके उनके जीवन रक्षा का उद्देश्य रखा गया है। पहला उद्देश्य हमारा ये है। दूसरा है जो ज़िले में कुपोषित बच्चे हैं उनकी घर घर जाकर के पहचान करना और जो अति कुपोषित बच्चे हैं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उनको NRC में भर्ती करना और जो अति कुपोषित हैं लेकिन बीमारी से पीड़ित नहीं हैं उनका घर पर उपचार करना, विटामिन ए सभी 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को देना। इस वर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम यह है कि दस्त रोग नियंत्रण पखवाड़ा का भी समावेश ये दस्तक अभियान में किया गया है, जिसे आज 18 जुलाई से और 31 अगस्त तक हम लोग लगातार चलाएंगे। इसमें हमारी जो आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और ANM ये घर घर जाती हैं और जहाँ भी 5 वर्ष तक के बच्चे हैं हर बच्चे को एक ORS का पैकेट देती है और यदि वो बच्चा दस्त रोग से पीड़ित है तो उसको 2 ORS। डायरिया में मौत की कमी आएगी क्या? डायरिया मुख्यतः इसका जो उद्देश्य है वो डायरिया नियंत्रण और डायरिया से होने वाली जो अकाल मृत्यु है उसको रोकना, और चूँकि हितग्राही के घर पर ही ORS रहता है, जिंक रहता है, तो उसको समझाइश देना कि यदि आपके बच्चे को दस्त शुरू होता है तो आप तत्काल ORS देना शुरू कर दें। इसको बनाने की विधि का भी घर घर प्रदर्शन किया जाता है और हाथ धोने की प्रक्रिया से सबको अवगत कराया जाता है। एनीमिया का खोजबीन, उपचार, नियंत्रण, रेफरल भी इसका एक कदम है और ऐसे बच्चे जो किसी वजह से टीकाकरण से छूट गए हैं उनको पहचानना और उनको टीकाकरण करना, साथ ही जो जन्मजात विकृति वाले बच्चे हैं जो दूर से दिखा जाता है, जैसे आँखों का भेंगापन और कटे होंठ, फटे तालू, पैरों का तिरछापन, जन्मजात बहरापन, इनकी पहचान करके उन बच्चों को रेफर करना और उनको समय रहते उपचार प्रदान करना जिससे वो अपना पूर्ण जीवन अच्छे से जी सके। ये इस वर्ष के हमारे दस्तक अभियान के उद्देश्य द्वारा दस्तक अभियान चलाया गया, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का परीक्षण, चिन्हांकन तथा उसके उपरांत उनका उपचार भी, विभिन्न बीमारियों जिसमें लगभग 10 घटक हैं जिसमें उन्हें विटामिन ए पिलाया जाना है, उनके खून की जाँच करनी है, एनीमिया तो नहीं है, उसके लिए आयरन, फोलिक एसिड, साथ में उनमें जन्मजात कोई विकृतियाँ हों उसे ठीक कराने के लिए चिन्हांकन, निमोनिया, दस्त, कुपोषण, और इस तरह से उनके संपूर्ण स्वास्थ्य का ये अभियान चलेगा जो कि 31 अगस्त तक का है, आज से प्रारंभ होकर के, और प्रतिवर्ष ये चलाया जाता है। सन 17 से चल रहा था तो इससे बच्चों का जो अंडर 5 5 साल तक के बच्चे हैं उनके संपूर्ण स्वास्थ्य का परीक्षण।
है।